बहुत समय पहले की बात है। इस धरती पर इंसान ही नहीं, उनके अलावा मॉन्स्टर्स, वैम्पायर और बौने लोग भी रहा करते थे। ये सभी हमेशा एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते थे। कुछ समय लड़ने के बाद इन सभी को पता चल गया कि लड़ने और झगड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, इससे सिर्फ एक दूसरे का नुकसान ही होगा। इसलिए इन सभी ने एक साथ मिलजुल कर रहने का फैसला किया। हजारों साल बाद ये सभी लोग अपनी पहचान छुपा कर रहने लगे। तभी हमें गाड़ी में एक टॉम नाम का लड़का और उसका पिता दिखाई देते हैं, जो कि जादू स्कूल जा रहे होते हैं। जैसे ये लोग जादू स्कूल के ब्रिज पर पहुंचते हैं, वहां पर एक हजारों साल पुराना बूढ़ा आदमी आता है, जो कि इन्हें स्कूल जाने का रास्ता बता देता है और ये वहां से उस तरफ चले जाते हैं। जैसे ये लोग शहर में पहुंचते हैं तो वहां पर जाते ही टॉम के गले का लॉकेट चमकने लगता है और वहां पर जो आदमी जा रहा होता है उसकी साइकिल एक पुराने जमाने के साइकिल में चेंज हो जाती है और वो गिर जाता है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है तो पुलिस वाले की टोपी कुछ देर बाद पुरानी हो जाती है, जिसे देखकर टॉम के पापा उन सबसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि टॉम को इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर था। टॉम के पिता और टॉम एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी वहां पर स्कूल का केयरटेकर एक कागज लेकर आता है, जिसके अंदर स्कूल के टैक्स और फीस के बारे में लिखा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा थी और इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी टॉम अगले दिन स्कूल में जाता है, जहाँ पर उसे एक फायर नाम की लड़की मिलती है, जो कि इसकी फ्रेंड बन जाती है, और एक वुल्फ नाम का लड़का रहता है, जो कि एक वेयरवुल्फ रहता है। ये तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे और इनको भी पता चल गया था कि 7 साल पूरे होने के बाद इन सबको अपनी ताकत का पता चल जाएगा, पर ये तीनों अपनी ताकतों का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते और उसे कंट्रोल में नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तभी हमें टॉम के पिता दिखाए जाते हैं, जो कि स्कूल के मेयर के पास पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम लोग स्कूल का टैक्स भर सकें। तभी मेयर टॉम के पिता को कहता है, तुम टैक्स मत भरना, बस मुझे टॉम के गले में जो लॉकेट है वो तुम मुझे दे दो। तभी टॉम के पिता कहते हैं कि मैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। ये सब सुनकर मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो टॉम के पिता को कुछ नहीं कहता। जो कि मेयर की असिस्टेंट रहती है, मेयर उसे रात को टॉम के घर भेज देता है ताकि वो उसका लॉकेट वहाँ से चोरी कर लाए, और वो चोरी कर लाकर लॉकेट को मेयर को दे देती है। मेयर जैसे ही उस लॉकेट को अपने हाथ में रहता है तो लॉकेट गायब होकर वापस से टॉम के पास चला जाता है। तभी वो लोग जादुई कांच में देखते हैं कि लॉकेट वापस से टॉम के पास चला गया। तभी मेयर को पता चल जाता है कि इस लॉकेट को चुराया नहीं जा सकता, जब तक इसका मालिक इसे किसी को ना दे तब तक ये लॉकेट किसी के पास नहीं रह सकता। तभी दूसरे दिन टॉम स्कूल जाता है तो वहाँ पर सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो वैम्पायर होने के बाद भी उन देखकर डरता था। तभी टॉम स्कूल छोड़कर जाने लगता है तो जंगल में उसे फाया और वुल्फ दोनों मिलते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपनी ताकतों का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इसकी वजह से ये लोगों को भी सभी लोग स्कूल में चिढ़ाते थे, इसलिए ये तीनों मिलकर स्कूल छोड़कर जा रहे होते हैं। जैसे ये ब्रिज के पास जाते हैं तभी वहाँ पर इनका पीछा कोई कर रहा था। जैसे ये लोग ब्रिज के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर इन लोगों को वही हजारों साल पुराना बूढ़ा आदमी आकर मिलता है, जो कि इनसे पूछता है कहाँ जा रहे हो। तभी टॉम कहता है कि हम लोग यहाँ से स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। तभी वो अपने पास से एक भविष्यवाणी की किताब निकालता है, उसमें से पढ़ता है कि 3 बच्चे यहाँ पर आएंगे और शैतानों से उन सबकी रक्षा करेंगे, और ऐसा कहकर वो अपनी जादुई बुक को बंद कर वहाँ पर रख देता है। तभी ये सभी बात टॉम को बेकार लगती है और झूठी लगती है। यह सुनकर केयरटेकर को गुस्सा आ जाता है, वो रूप अपने असली रूप में आ जाता है, जो कि एक बहुत बड़े राक्षस का रूप होता है। जैसे वो उन पर हमला करने वाला होता है, जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वो उस केयरटेकर के सामने आ जाता है और उन तीनों को बचाकर अपने घर में ले जाता है, और वो वहाँ पर जाकर बताता है कि मेरा नाम हैनाबेल है और मैं तुम्हारे स्कूल में सफाई का काम करता हूँ। तभी टॉम उससे उस भविष्यवाणी के बारे में पूछता है। तभी हैनाबेल उससे कहता है कि तुम सब इसके बारे में सोचना छोड़ दो और तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी वो लोग वहाँ पर एक डायरी उठाते हैं जिसमें एक भविष्यवाणी की किताब का जिक्र होता है, जो कि स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी में पड़ी होती है। तभी वो लोग हैनाबेल के घर से निकलकर स्कूल में चले जाते हैं और वो लाइब्रेरी के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो चुपके से लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के आगे एक ब्लैक वुल्फ रहता है। उनके पास भी एक वुल्फ होता है तो वहाँ पर बैठकर वो उस वुल्फ के साथ बात करने लगता है और उसे अपनी बातों में उलझा रखता है, जिससे फाया और टॉम वहाँ से पीछे से निकल जाते हैं। जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो वो आगे जाकर देखते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, वहाँ पर एक बहुत गहरी खाई है। वो वहाँ से एक छोटा सा पत्थर उठाकर नीचे डालते हैं। पत्थर जैसे नीचे जाता है, नीचे बहुत सारी चमगादड़ निकल कर ऊपर की तरफ उड़ने आती है। तभी टॉम को लगता है कि यह कोई भ्रम है। वो धीरे से अपने गले में से एक चमगादड़ की आवाज़ निकालता है।
जैसे ही चमकादड़ की आवाज़ निकलती है, उस जगह पर बहुत सारे जादुई पिल्लर रहते हैं जो कि एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जो कि गुफा के दूसरी साइड जाने का रास्ता होते हैं। टॉम पाया का हाथ पकड़ कर उसे धीरे धीरे दूसरी तरफ ले जाता है और ये दोनों लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। पर जैसे ये दोनों लाइब्रेरी में पहुँचते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि लाइब्रेरी में वो किताब बहुत ही ऊपर रखी हुई है, अब उसको हम लोग कैसे नीचे लाएं। तभी फाया धीरे से अपनी आंखों को बंद करती है और अपनी शक्तियों को पहचानती है और उसके पंख निकलने लगते हैं और वो ऊपर उड़ते हुए जाती है और उस बुक को पकड़कर नीचे की तरफ ले आती है। तभी ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि वुल्फ अभी उस वुल्फ से बात ही कर रहा है। तभी वो उसे इशारा करते हैं कि यहाँ से भागो। वो तीनों वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं, तब ब्लैक वुल्फ भी उनका पीछा कर रहा होता है। ये तीनों सही सलामत दूसरी तरफ आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मेयर को भी पता चल गया था कि ये लोग स्कूल से भाग गए। तभी वो अपने जादुई कांच में उन्हें ढूंढता है तो देखता है कि उनके पास भविष्यवाणी बताने वाली किताब आ गई है। तभी जैसे ही टॉम उस किताब को खोलता है तो उसमें भविष्यवाणी लिखी होती है कि एक लूसीफर नाम का शैतान है जो कि इंसानों को और मॉन्स्टर को साथ में नहीं रहने देना चाहता था। वो चाहता था कि मॉन्स्टर हमेशा इंसानों को दबा कर रहे और उन पर अपना राज कायम करे। वो उन्हें ख़त्म करना चाहता था। लेकिन जैसे ही टॉम एक और पेज बदलता है तो वहाँ पर एक पेज फटा हुआ रहता है जिस पर सिर्फ ऐसा ही लिखा था कि हॉल की घड़ी में 13 बजते ही लूसीफर अपनी अगली चाल चल देगा। यह भविष्यवाणी सुनकर ये तीनों डर जाते हैं और ये सब सच अपने माता पिता को बताने की बात कर रहे होते हैं। मेयर को भी इस बात का पता चल जाता है तो वो उन तीनों पर ऐसा जादू कर देता है कि वो किसी को भी बताना चाहे तो नहीं बता सकते, उसकी जगह सिर्फ झूठ ही बता सकते हैं। जैसे ही टॉम अपने पिता को बताने वाला होता है वो अपने पिता को कुछ सच नहीं बता पाता, वैसे ही फाया भी अपने पिता को कुछ नहीं बता पाती। फिर ये तीनों कॉल पर बात करते हैं और दूसरे दिन मिलने की बात करते हैं। तभी रात के टाइम टॉम वापस से उस भविष्यवाणी की किताब को पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि लूसीफर समय में पीछे जाकर सभी मॉन्स्टर को पहले जैसा बनाना चाहता है। फिर वो सोचता है कि उसके पास जो लॉकेट है वो भी समय को पीछे ले जाता है, जैसे उसने उस साइकिल और पुलिस वाले की टोपी को पुराने समय की में बदला था, यानी कि मेरा लॉकेट भी इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। दूसरे दिन तीनों वापस मिलते हैं। तभी टॉम उन्हें अपने लॉकेट के बारे में बताता है। तभी फाया कहती है कि हाँ ये हो सकता है क्योंकि तुम्हारा लॉकेट समय में चीज़ों को पीछे की तरफ लेकर जाता है। तभी टॉम कहता है कि हमें एक बार हॉल के अंदर जाकर चेक करना चाहिए। तभी जैसे वो हॉल में जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी होती है। फाया और वुल्फ सिक्योरिटी वाले को अपनी बातों में लगा देते हैं और टॉम को चुपके से अंदर की तरफ एंटर कर देते हैं। जैसे ही टॉम अंदर जाता है तो उसके गले का लॉकेट अपने आप ही एक दिशा में उड़ने लगता है। टॉम भी उसके पीछे जाने लगता है। जैसे ही टॉम उसके पीछे जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे रेड क्रिस्टल होते हैं। जैसे ही टॉम का लॉकेट उस क्रिस्टल के पास जाता है तो मेयर के असिस्टेंट का कंप्यूटर एक पुराने ज़माने के कंप्यूटर में बदल जाता है और टॉम का बैग भी एक पुराने ज़माने के बैग में बदल जाता है। तभी मेयर के असिस्टेंट को पता चल जाता है कि टॉम यहाँ पर आ चुका है। वो जैसे मेयर को लेकर पहुँचती है तभी टॉम वहाँ से चला जाता है। तभी मेयर कहता है कि मुझे किसी भी हालत में टॉम का लॉकेट चाहिए क्योंकि हॉल में ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं मैंने दुनिया भर के जादूगरों को मारकर उनसे ज़बरदस्ती ये क्रिस्टल छीने हैं ताकि मैं मॉन्स्टरों को वापस से पहले जैसा बना सकूं। अब टॉम का बैग भी पुराना हो गया था जो कि जिसके अंदर वो भविष्यवाणी की किताब रखी हुई थी, यानी कि भविष्यवाणी की किताब भी अब पहले जैसी पुरानी हो गई है। जैसे ही टॉम उस पेज को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि हॉल की घड़ी में जैसे ही 13 बजेंगे और लूसीफर अपनी चाल चल देगा और उस दिन सूर्य ग्रहण भी होगा। फिर उन लोगों को पता चलता है कि सूर्य ग्रहण तो आज ही है और तभी उन्हें पता चलता है कि मेयर ने ही सबको हॉल में बुलाया है और वो समझ जाते हैं कि लूसीफर और कोई नहीं बल्कि मेयर है। तभी टॉम वो शहर छोड़कर जाने की सोचता है और वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो उसे वही हजारों साल पुराना केयरटेकर मिलता है जो उसे जाने देता है। तभी पीछे से मेयर आ जाता है और फाया को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए धमकी देता है और टॉम से कहता है कि अगर तुमने मुझे लॉकेट कल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दोस्त फाया को मार दूंगा। यह सोचकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है। दूसरे दिन टॉम और वुल्फ दोनों हॉल में पहुंच जाते हैं और टॉम अपना लॉकेट मेयर को दे देता है जिससे वो फाया को छोड़ देता है और मेयर कहता है कि अब मैं इन मॉन्स्टर्स को पहले जैसा बनाकर दुनिया पर राज करूंगा। जैसे वो लॉकेट को जोड़ता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी निकलती है और उसी टाइम घड़ी में 13 भी बज जाते हैं। घड़ी में 13 बजते हैं तो लूसीफर कहता है कि अब मैं सब इंसानों को ख़त्म करके मेरी एक बहुत बड़ी आर्मी बनाऊंगा और इस पूरी दुनिया पर हम लोग राज करेंगे। तभी टॉम का क्रिस्टल वहाँ से गायब हो जाता है। यह देखकर मेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी टॉम कहता है
कि यहाँ पर आने से पहले मैंने अपना लॉकेट हैनाबेल को दे दिया था, जैसा कि मेरी मॉम ने मैजिक किया था कि ये लॉकेट कभी भी किसी और के पास नहीं जा सकता जब तक जिसका लॉकेट है वो इसे किसी और को ना दे। यह बात सुनकर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन तीनों पर हमला कर देता है। वो टॉम पर हमला कर देता है जिससे टॉम पीछे जाता है और बेहोश हो जाता है, और फायर को उठाकर बाहर की तरफ फेंक देता है जिससे वुल्फ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन वुल्फ उसके सामने टिक नहीं पाता, तभी फाया उड़कर आती है और सबसे पहले टॉम को बेहोशी से उठाती है। जैसे टॉम होश में आता है तो टॉम वैम्पायर बनकर उसे लड़ने लगता है। जैसे ही मेयर टॉम पर हमला करता है तो टॉम वहाँ से हट जाता है और उसका हमला सीधा क्रिस्टल पर लगता है। क्रिस्टल पर से रोशनी निकलती है और मेयर को लग जाती है। मेयर उसी टाइम रेड कलर के क्रिस्टल में बदल कर टूट जाता है। इन तीनों ने वहाँ पर सभी लोगों को बचा लिया। जैसे ये लोग नीचे आते हैं तो नीचे इन्हें हैनाबेल मिलता है, जो कि टॉम को उसका लॉकेट वापस दे देता है और कहता है कि भविष्यवाणी में यही लिखा था कि तीन बच्चे आएंगे और इधर और सभी लोगों को शैतानों से बचाएंगे।